कोरोना की इस विकट परिस्थिति में भी निजी अस्पतालों की लूट खसोट बदस्तूर जारी है। ऐसा ही एक मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और एक परिजन का 30,000 रुपए का बिल कम करवाया गया। देखिए यह खास रिपोर्ट। दरअसल ये पूरा मामला बैतूल के लश्करी अस्पताल का है, जहां कोरोना की इस विकट परिस्थिति में अस्पताल प्रबंधन अपना मुनाफा कमाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। यहां एक मरीज के परिजनों से 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन के 23,000 रुपए वसूल किए गए। जब यह मामला सामने आया तो जिला प्रशासन के अधिकारी हरकत में आए। SGM CL चनाप और CMHO डॉक्टर AK तिवारी अचानक लश्करी अस्पताल पहुंचे और जांच की। जांच में हकीकत सामने आने पर जहां अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाई और मरीज को 30,000 रुपए वापस भी दिलवाए गए। इस मामले में SGM CL चनाप का कहना है कि बिलिंग में गड़बड़ी मिली है, इसे देखते हुए मरीज को राशि वापस दिलाई गई है। व्यवस्थाओं को लेकर भी अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं। हाँ, लश्करे हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट के नाम से अभी विगत 1-2 दिनों से छोटी छोटी शिकायतें मिल रही थी, आज एक वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो नहीं एक शिकायत वायरल हुआ है व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से। उसके तारतम्य में हमने CMHO साहब की टीम, जो हम लोग जिला कलेक्टर महोदय द्वारा गठित की गई है, आज जांच की है। तो उस बिलिंग पर कुछ गड़बड़ियां तो पाई गई, जिसको डॉक्टर ने स्वीकार भी किया है, और 19,000 की बिल में कमी आई है। क्या कार्रवाई की जा रही है डॉक्टर को? इसमें देखिए, ये कार्रवाई तो करेंगे, सर्वप्रथम तो उस मरीज के परिजन को उक्त राशि को वापस कराया जा रहा है। उसी प्रकार से 1-2 मरीजों को भी ज़्यादा पैसे डिपॉजिट जमा करने के आई है, उसको भी हम वापस करवा रहे हैं। और कुछ हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं के लिए भी लश्करे प्रबंधन को बताया गया है कि वहाँ कर्मचारियों को प्रॉपर PPE किट उपलब्ध कराएं, वहाँ वेटिंग हॉल जो मरीजों के बैठने का पर्याप्त व्यवस्था करें, छाया रखें, और दूर दूर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की व्यवस्था की गई है, किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि इस प्रकार का आगे भी हाल रहेगा तो उनको चेतावनी दी गई है कि आपके विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई की जाए। अधिक बिलिंग को लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी? ठीक है, अभी तो राशि हम उसको कर रहे हैं, अभी हमें ज़रूरत है हॉस्पिटल की, डॉक्टर की, बेड की, इसलिए हम इस पर बाद में कार्रवाई करेंगे। अभी मरीज के परिजन से जो ज़्यादा राशि ली गई है उसको वापस करवाएं। CMHO डॉक्टर AK तिवारी के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद अस्पताल में जांच की गई है। जांच में पता चला है कि बिलिंग में 23,000 का अंतर आया है। 23,000 रुपए परिजन को वापस लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। अन्य मरीजों के परिजनों की राशि को भी वापस करवाया जा रहा है। कलेक्टर सर द्वारा निर्देशित किया गया था, कुछ शिकायतें आई थी कि यहाँ पे पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है, बिलिंग में बड़ी मिसमैच हो रहा है, ये पब्लिक की शिकायत थी। तो उनके निर्देश पे हमने यहाँ पे इंस्पेक्शन किया और ये के जो पेशेंट था जिसकी शिकायत थी उसमें 23,000 रुपये का अंतर आया है, तो उसको मरीज को फ़ोन कर दिया गया है, वो सुबह आके 23,000 रुपये वापस ले लेगा। किस बात के लिए इतना लिया जा रहा था? ये रेमडेसिविर इंजेक्शन था और जो हमारे पोर्टल पर जो दर्ज होता है रेट, उस रेट में वो जो इनने लिए थे उसमें डिफरेंस आ रहा था पूरे बिलिंग में। बिल तो ये ले सकते हैं, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं ले सकते, तो उस हिसाब से 23,000 रुपये वापस करने की हिदायत इन्हें दी गई। हिदायत दी या कार्रवाई? नहीं, हिदायत दी दी, फर्स्ट इनका वो है, तो इन्हें हिदायत दे दी है 23,000 रुपये ये वापस कर देंगे, उसको ही फ़ोन कर दिया है तो वो आके 23,000 रुपये वापस। नहीं नहीं, रेमडेसिविर शिविर के लिए अभी फर्स्ट इनका वो है, तो अपन को मरीजों का भी हित देखना है। अगर ऐसे एकदम से सख्त कार्रवाई करने लगेंगे तो अपन को मरीज अपना कहाँ है। अगर दोबारा इनकी ऐसी गलती होती है तो इनका नर्सिंग होम भी सील हो सकता है, इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। फर्स्ट में हमने पैसे 23,000 रुपये इनकी वापस हो जाएंगे। कितने मरीज? ये मरीजों के हमने जो टैली किए हैं, हमारे पास जो शिकायत आई थी वो एक ही मरीज की आई थी, बाकी और मरीजों के पैसे इसलिए वापस कराए गए हैं कि भाई ये गवर्नमेंट ने, हम लोगों ने नियम बनाया है कि एक बार जब फर्स्ट बार मरीज आता है तो 30,000 रुपये से ज़्यादा उसको डिपॉजिट नहीं करवा सकते। वो कई मरीजों से, कई से 40,000, कोई से और ज़्यादा जी थे, तो वो भी वापस कराए गए। बिलिंग अपना जी बनाएंगे, उसके बाद अपना बिल प्रस्तुत करेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम जो मरीज गरीब आता है, कहीं गांव का आता है कोई, उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो 30,000 से ज़्यादा, कम तो कितना ही जमा कराएं, लेकिन 30,000 से ज़्यादा नहीं करा सकते। वैसे इनका 2 लाख समथिंग का बिल था, लेकिन वो बिल में केवल 23,000 का अंतर है,
जो जिस हिसाब से बिलिंग होनी चाहिए उतना ही था। देखा जाए तो कोरोना की इस महामारी के बाद भी निजी अस्पताल प्रबंधन परिजनों से ज्यादा राशि वसूलने से बास नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, बैतूल।